अपने आशीर्वचन से हम सबको नवाजे। मैं व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि जमलेल्या बांधवांनो आणि भगिनींनो, मुफ्ती जी पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आणि नुसतं आमंत्रित नाही केलं तर मला ओळखत असताना सुद्धा आमंत्रित केलेलं आहे। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, किस पार्टी का नेता हूँ, किसका बेटा हूँ, ओळख तर जग जाहीर आहे आणि ओळख लपवण्यासारखी अशी काय वाईट ओळख नाहीये माझी। पण आजच्या या कार्यक्रमाला तुम्ही मला बोलवलत, हिंदू हृदय सम्राटाच्या मुलाला बोलवलत, कोणत्या अपेक्षेने बोलवलं हे तर तुम्ही सांगितलं। और जब आमंत्रित किया गया मैंने तुरंत हाँ कह दिया, बबनराव तुम्ही आला होता माझ्याकडे, और मैंने तब यही सोचा कि इस देश में कोई नहीं चाहता कि हम हमेशा लड़ते रहे, झगड़ते रहे, दंगा फसाद करते रहे, कोई काम नहीं है, उठाया पत्थर फेंक दिया दूसरे के ऊपर। मैं ऐसी कोई नई बात नहीं करना चाहता, जो मेरे पिताजी ने कही थी तो उससे कुछ और एक रास्ता अपनाना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उसी रास्ते से मैं चल रहा हूँ और उसी रास्ते से ही चलूंगा, बिल्कुल मैं मेरा रास्ता बदलने वाला नहीं हूँ। रास्ता यही है, जो भी है दिल में नहीं कुछ रखने का, खुलेआम बोल दो। जो बात पसंद नहीं आई खुलेआम बोल दो पसंद नहीं आई, लेकिन पीठ पर छुरा नहीं भोंकने का, कभी पीठ पर नहीं मैं वार करूंगा। अगर कुछ बात गलत है सामने से बोलूंगा, सामने से वार करूंगा, पीठ एक तो पीठ दिखाऊंगा नहीं और पीठ पर वार नहीं करूंगा। ये हमारी पहचान है और ये आपको पता होते होने के बावजूद भी आपने यहां मुझे बुलाया, क्योंकि आपके मन में एक विश्वास है। मैं जब भी कोई मेरे साथ बातें करने लगता है, मुसलमान भाई होता है, बहन होती है और अन्य धर्म मजहब के लोग रहते हैं, मैं तो यही कहता हूं, चलो दुश्मनी निभानी है ना तो निभाते हैं, लेकिन गलत फहमी के शिकार नहीं होना। गलत फहमी के शिकार होते हुए दुश्मनी नहीं करना। क्या है, कौन, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं, एक दूसरे को समझ तो ले। और अभी बैठे बैठे मुफ्ती साहब मैं आपसे बात कर रहा था कि जो बात अभी आपने कही कि जो अपनी मुट्ठी थी और उसी ने हमें आजादी दिलाई, फिर आजादी के बाद ये मुट्ठी खुल क्यों हुई, किसने खोली हमारी मुट्ठी, क्यों हम अलग 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 लड़ते रहे, क्या मिला अलग लड़ते लड़ते और क्या मिलेगा अलग लड़ने से। हाँ, हम खिलाफ तो है, जरूर है, मैं कोई छुपाना नहीं चाहता, लेकिन शिवसेना या मेरे पिताजी कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, वो तो देशद्रोही के खिलाफ थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, इसमें क्या छुपाने की बात नहीं है कुछ। और मैं भी यही रहता हूँ, ये तो इलाका है पूरा बहरामपाड़ा नजदीक है, 50 साल में पहली बार मेरा पार्षद यहाँ से चुन कर आया है, शिवसेना का पार्षद, नगर सेवक, शिवसेनेच्या निशाण्यावरती लढला आणि त्याला लोकांनी मतदान करून निवडून दिलं, क्योंकि एक भरोसा है, भरोसा है कि करेंगे तो यही लोग करेंगे, कुछ सुधार लाएंगे जीवन में तो यही लोग ला सकते हैं, बाकी वरना आज मुझे कोई वैसे आने की आवश्यकता नहीं थी। इलेक्शन होता तो जरूर आता, लेकिन आज इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, इसके बावजूद मैं यहाँ आया, वोट के लिए नहीं आया हूं, मैं मतांसाठी नहीं आलेलो, मी मनासाठी आलेलो आहे। मन जर का आपले एकमेकाशी जुळलं, आणि मगाशी जे मी तुम्हाला सांगत होतो आपणही बोललात की जी एक मुठ्ठी आपली बंद झालेली होती, आवडली होती, तिची एक ताकद होती, मग त्याच्यात सगळे धर्म होते, हिंदू मुसलमान शीख ईसाई और कुछ हो, दलित है जैन है, सब एक साथ आए तो आजादी मिल गई। आणि एक मी बघितलं की काही वर्षांपूर्वी मला वाटतं गुजरातीत कुठे भुजला भूकंप झाला होता ना, भुज मैं गया था, वहां शिवसेना ने भी वहां कुछ मदद की, वहां मैं गया और एक गांव का चक्कर लगाया, गांव का चक्कर जब लगाया मैंने तो देखा कि